नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका और वक्त हो गया है शाम की 10 बड़ी खबरों का। आज की 10 बड़ी खबरों में देखेंगे कि देश में किस तरह लगातार जो है कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, और इसको लेकर ही जो पीएम मोदी हैं, आज उन्होंने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी कुछ बड़े बयान दिए हैं। एक तरफ कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में जो है वो एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण चक्रवर्ती तूफान निवार के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं मनोरंजन जगत से कुछ दुखद खबरों का सिलसिला भी लगातार आ रहा है। कुछ दुखद खबरें हैं जो आज मनोरंजन जगत से भी आई हैं। देखिए हमारी ये खास बुलेटिन। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अब तेजी से बढ़ने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब राज्य में हर घंटे में 5 लोगों की मौत होने लगी है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसे देखकर मौसम विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि ये जल्द ही तूफान में तब्दील हो सकता है। तूफान को लेकर ही भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह भोर में नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार का शपथ ग्रहण सही समय पर आयोजित किया जाएगा। टेलीविजन के जाने माने एक्टर आशीष रॉय का निधन हो गया है। 55 साल के अभिनेता आशीष रॉय पिछले कुछ समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। आशीष काफी समय से अपना इलाज मुंबई के जुहू स्थित एक अस्पताल में करवा रहे थे। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक के घर पर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमार कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रताप सरनायक के घर देश के मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया, जल्द ही द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके महावीर फोगाट की बेटी संगीता फोगाट के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। संगीता फोगाट महावीर फोगाट की तीसरी बेटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में उनके बेहद करीबी नेता और पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष व कद्दावर नेता गुरुप्रसाद शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया है। गुरुप्रसाद शर्मा पर एयरगन से हमला किया गया। हालांकि घटना में गुरुप्रसाद शर्मा बाल बाल बच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम जमीन घोटाले में सामने आया है। उन पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। वहीं इन सभी आरोपों का फारूक अब्दुल्ला ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी, इसका समय हम तय नहीं कर सकते। ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जीवन साथी चुनने के अधिकार पर अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दो युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है।